ये फिल्म जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही कमाल की फिल्म थी और जब हम ये फिल्म शूट करने गए तभी वी ऑल न्यू दैट वी आर वर्किंग ऑन अ ग्रेट स्क्रिप्ट और एज यू नो सदी जी बहुत ही फाइन एक्टर भी है तो जब परफॉर्म कर रहे थे तो सतीश जी की ब्रिलियंस एज एन एक्टर रियली हेल्प टू ब्रिंग आउट द कैरेक्टर एंड ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट शूट अनफॉर्चुनेटली विद रेस्ट ऑफ द एस्टीम कास्ट मेंबर्स आई डू नॉट शेयर द स्क्रीन स्पेस परमृता एंड माई सेल्फ फॉर्म आई मीन वी काइंड ऑफ शेयर द स्क्रीन स्पेस टुगेदर तो इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला है बट ऑफकोर्स आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म वेयर वी हैव सच एस्टीम्ड एक्टर्स इन नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी रे पॉकेट में दिल अपना नहीं दूंगी रे बहुत ज्यादा जैसे कि मैं कह रही हूँ कि भूत लोग भूतिया पंती करने आ गए हैं बस तो प्लीज जाइएगा देखिएगा 21 मार्च को कमाल की भूतिया पंती की है सबने कमाल के एक्टर्स हैं सब लोग और कमाल की परफॉर्मेंसेस की है और कमाल के प्यारे भूत हैं इस फिल्म में हाँ पहली बार एक ऐसी फिल्म बनी है जो भूतों को देखकर हंसेगी भूत हंसाएंगे दुनिया को ये एक बहुत फेमस बंगाली फिल्म पर आधारित है और एक सोशल कमेंट भी मारती है कि किस तरह से जमीन का हर हिस्सा जो है वो बिल्डर्स ने हथिया लिया है और भूतों के पास रहने की जगह नहीं है एक सोशल कमेंट भी है और एक कॉमेडी भी है और अच्छा म्यूजिक है और 1930 से लेकर 2013-2014 तक के भूत हैं इसमें जैसे चंकी पांडे जी और माही गिल जी हैं वो 1950s की भूत है मैं 1946 का भूत हूँ फिर जो मीरा है वो 2013 की भूत है तो इस तरह के अलग अलग किस्म के भूत हैं जो सब साथ में रहते हैं अनुपम जी आपको एनकाउंटर तो नहीं हुआ भूतों के साथ में लेकिन विजुअली परेशान किया कि हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कुछ ऐसी हवा चली झोंका ऐसा कुछ जहाँ हम जिस मेंशन में हम शूटिंग कर रहे थे सूरत में वो हिंदुस्तान के 10 मोस्ट हॉन्टेड मेंशंस में से एक है तो सतीश जी को एक दो बार वहाँ पर दिखाई दिए थे एक आधे भूत बाद में पता लगा उन्होंने शीशे में अपनी शक्ल देख ली थी रीमेक में आपकी जो पकड़ है काफी मजबूत है ये बंगाली में कितने चेंजेस है और ओरिजिनल से कितना इसमें लगे मैंने हमेशा हिट रीमेक्स बनाई है अनुपम जी जानते हैं रतन जी ने जब मुझे ये फिल्म देखने को दी तो ये रीमेक पिक्चर थी बंगाली के राइट्स का ये लेने वाले थे मुझे बोला कि अगर आपको पसंद आती है तो मैं राइट्स लेता हूँ और रतन जी को पता था मेरा रीमेक के अंदर अच्छा पकड़ा मतलब एक टाइम पे रीमेक किक बना बोला था फिर मैंने रीमेक बनानी बंद कर दी फिर लोगों ने रीमेक बनानी शुरू कर दी फिर मैंने सोचा पर मैं क्यों ना रीमेक बनाऊं तो पर ये बंगाली पिक्चर रतन जी मेरे पास लेके आ खैर वो तो खैर बहुत चीज़ें पर ऐसे चेंजेस किए हैं जो एक्चुअली बम्बई के हिसाब से और पैन इंडिया मार्केट के लिए थोड़ा किया कैरेक्टर्स वैसे के वैसे रखे हैं लेकिन कई जगह जैसे मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कुछ ऐसी जो हमारी मार्केट को ज़्यादा सूट करती हैं वो वैसे किए क्योंकि रीमेक में हमेशा आपको अडेप्ट करना पड़ता है मैं इसलिए रीमेक को रीमेक नहीं बोलता मैं बोलता हूँ ये पिक्चर अडेप्ट की हुई है वो हम आपके दिल में रहते हो हमारा दिल आपके पास मुझे कुछ कहना है तेरे नाम ये सब जो फिल्म थी ये रीमेक थी पर मैंने इनको अच्छी तरह से अडेप्ट किया था सेम वे मैंने भूतेर भविष्य को भी अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू बॉम्बे एटमोसफेयर क्योंकि ये फिल्म हमने बॉम्बे में सेट की शाहरुख के बारे में आपका क्या कहना है वो है कि भूत का गाना है असल में कि आला रे आला मस्त भूत आला तो मस्त भूत क्या क्या कर सकता है मस्त भूत क्या क्या कर सकता है मस्त भूत अब मतलब मुगेम्बो और उससे जो है उसे बेटर वो कर सकता है और सल्लू और शाहरुख की दोस्ती भी करा सकता है ना वो भूत की विश है भूत की विश है और गाने के अंदर एक अच्छा वर्ड करा सकता है मेरा आप इस मूवी में तीन तीन डे का काम कर रहे हैं सचिन जी हैं भारत जी हैं अनुपम जी हैं तो किस तरह की पहली मूवी इतने डायरेक्टर किस तरह की अथॉरिटी मिल रहा मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि पहली मूवी और इतने सारे लोग थोड़ा स्टार्टिंग में डर भी था बट पीपल आर सच सो कूल दे आर लाइक फ्रेंड्स दे आर लाइक बडीज सब लोग मार्च में जरा तैयार हो जाओ भूत लोग भूतिया पंती करने आ रहे हैं Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.